क्लास का जो उर्दू का आज पेपर हुआ है उसकी आंसर की आपके सामने है। पहला सवाल था, शायरी की इस्तेलाह में अशआर के उस मजमूए को क्या कहते हैं जो किसी एक ख्याल या मौजू के तहत लिखे गए हों। तो इसका दुरुस्त जवाब था ऑप्शन बी नज़म। ऐसी नज़म जिसके हर बंद में 6 शेर हों क्या कहलाती है। दुरुस्त जवाब था ऑप्शन ए मुसद्दस। गज़ल किस जबान का लफ्ज़ है। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बे अरबी। उसके बाद तशबीह में मुशब्बा और मुशब्बा बिही को क्या कहा जाता है। इसका दुरुस्त जवाब है तरफैन तशबीह। पाँचवा सवाल था, माँ ने कहा मेरा चाँद आ गया है। ये जुमला वाहिद की रूह से किसकी मिसाल है। तो कवायद की रूह से किसकी मिसाल है। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी इस्तियारा। और छठा सवाल था, जुमला उस्मिया के कितने अज्जा होते हैं। दुरुस्त जवाब है 3, ऑप्शन जीम। और अहमद ज़हीन है। इस जुमले में कवायद की रूह से अहमद क्या है। तो दुरुस्त जवाब है पहला मुब्तदा, हीरा ने सबक पढ़ा। कवायद की रूह से ये कैसा जुमला है। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी जुमला फेलिया। किसी मुकर्रर मौजू पर अपने ख्यालात, जज्बात, एहसास या तासुरात का नसर में तहरीरी इजहार क्या कहलाता है। दुरुस्त जवाब है मज़मून। और किसी सिन्फ़ नसर के किरदार फर्जी होते हैं मगर उन पर हकीकत का गुमान होता है। तो जवाब है अफसाना, ऑप्शन जीन। और हार्डवेयर कंप्यूटर का दिमाग और सॉफ्टवेयर उसका जहन समझा जाता है। ये जुमला किस अंदाज़ बयां की मिसाल है। तो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन दाल, तकनीकी। उसके बाद गर्मी से मुस्तरिब था ज़माना, ज़मीन पर भुन जाता था जो दाना गिरता था ज़मीन पर। इस शेर में ज़मीन पर कवायद की रूह से क्या है। तो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन अलिफ, रदीफ़। और गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे क्या कहलाता है। मक्ता कहलाता है, ऑप्शन बे बे इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और प्यासी जो थी सिपाह सिपाह खुदा 3 रात की, साहिल से सर टपकती थी मौजें फरात की। तो इसमें कौन सी सनद का इस्तेमाल है। तो ऑप्शन जीम इसका दुरुस्त जवाब है, सनद हुस्न तालील। और आखिरी सवाल था कि कुल कहकर जुज़ और जुज़ कहकर कुल मुराद लेना को कवायद में क्या कहते हैं। दुरुस्त जवाब है मुजाज़ मुरसल, ऑप्शन दाल। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर्स ठीक हुए। और ये आपका आखिरी पेपर था, उम्मीद है कि आपके सारे पेपर्स अच्छे हुए होंगे। तो दोबारा आपसे मुलाकात होगी फर्स्ट ईयर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपना वक्त अच्छे से गुजारिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपको इस चैनल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। खुदा हाफिज़।